दोस्तों आज हम ऐसे एक हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी रहस्यमय गतिविधियों के कारण पूरी दुनिया में फेमस है। यह हाईवे मलेशिया में स्थित है। इस हाईवे का नाम करक हाईवे रखा गया है और यह मलेशिया में सन 1970 में बना हुआ था। इसके बनने के 7 साल बाद इसे लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन इसके खोलने के कुछ ही दिन बाद इस पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। हर दिन कोई ना कोई गाड़ी का रहस्यमय तरीके से एक्सीडेंट हो जाया करता था। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो पुलिस ने इस बारे में खोजबीन शुरू की, लेकिन उसको इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। उन एक्सीडेंट गाड़ियों के ड्राइवर से जब उस एक्सीडेंट के बारे में पूछा जाता है तो उन लोगों का एक ही जवाब आता है। ड्राइवरों से पूछने पर पता चलता है कि करक हाईवे पर चढ़ने के थोड़ी देर बाद उनके सामने एक पीली वैक्स वैन गाड़ी आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। और ज़्यादातर यही बयान हर ड्राइवरों का था, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हुए हैं इस हाईवे पर वो इसी पीली गाड़ी की वजह से हुए हैं। फिर मलेशियन पुलिस ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। उस हाईवे पर 2 गाड़ियां पुलिस की लगा दी गई, लेकिन उन पुलिस वालों को ये गाड़ी कभी नहीं दिखी। वहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि इस हाईवे के बनने से 6 साल पहले की बात है, जहाँ पर यह हाईवे बना हुआ है वहीं पर एक पत्नी ने अपने पति को बहुत ही बेरहमी से मारकर उसी पीली गाड़ी में यहीं छोड़कर चली गई थी। हालांकि तब वहाँ पर कोई हाईवे नहीं बना हुआ था, लेकिन जब वहाँ पर इस करक हाईवे का निर्माण हुआ तब से उसके बाद से यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तब से यहाँ पर रहस्यमय घटनाएं चालू हो गई थी। वो पीली वैक्स वैन बहुत ही रहस्यमय ढंग से दिखाई देती है और उसी पीली वैक्स वैन की वजह से यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुए हैं सब उसी वजह से हुए हैं। वो पीली वैक्स वैन ज़्यादातर रात में ही आपको दिखेगी, वो आपको दिखेगी और अचानक से वो गायब हो जाएगी। आपको वो कभी कभी कंफ्यूज भी कर सकती है। कई लोगों ने तो उस पीली वैक्स वैन को देखा भी है और उसकी पिक्चरें निकाली हैं। वो पीली वैक्स वैन देखने में कुछ इस प्रकार है जैसे कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। फिर मलेशियन सरकार ने इस हाईवे को कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया था, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद हाल ही में इस हाईवे को खोला गया है। लगभग 20 साल बंद होने के बाद इस हाईवे पर अब थोड़ा नॉर्मल घटनाएं कम हो रही हैं।